हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है इडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पहला हमारा इडियम है जंप द बैंड वेगॉन। जंप द बैंड वेगॉन का मतलब होता है जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को ज्वाइन कर लेना, जो चीज़ें आजकल चल रही हैं उसको ज्वाइन कर लेना। टू ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, जो आजकल चल रहा है उसको ज्वाइन कर लेना, इसको बोलते हैं जंप द बैंड वेगॉन। नेक्स्ट है बॉल इज इन योर कॉर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब कि निर्णय आपके हाथ में है। नेक्स्ट डिसीजन इज इन योर हैंड, निर्णय आपके हाथ में, इसको क्या बोलते हैं, बॉल इज इन योर कोर्ट। नेक्स्ट है कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि हम किसी किताब को उसके कवर से हम आइडिया नहीं लगा सकते, यानी कि हम किसी की अपीयरेंस से उसकी गहराई का पता नहीं लगा सकते, इसको बोलते हैं कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट है अ हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब ताश के पत्ते, और ताश के पत्ते क्या होते हैं, ढेर हो जाते हैं, यानी कि अ पुअर प्लान, जिस प्लान में दम नहीं है उसको बोलते हैं इट्स अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अफ्रेड ऑफ वंस शेडो, शेडो का मतलब परछाई, अफ्रेड का मतलब डरना, अगर कोई अपनी ही परछाई से भी डर जाए तो क्या होगा, बहुत जो आसानी से भयभीत हो जाता है उसको बोलते हैं इज अफ्रेड ऑफ हिज शेडो, कि वो बहुत डरपोक है, अपनी परछाई से भी डर जाता है। तो इनको रिवाइज करते हैं, पहले जंप द बैंड वेगॉन, यानी कि जो आजकल चल रहा है उसको ज्वाइन कर लेना। बुल इज बॉल इज इन योर कॉर्ट, के नेक्स्ट डिसीजन आपके हाथ में है। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि हम ऊपर के दिखावे से गहराई का पता नहीं लगा सकते। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, बहुत बुरा प्लान, अफ्रेड ऑफ वंस शेडो, डरपोक। विल कवर मोर इडियम एंड फ्रेजेस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।